हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके एग्जाम की डेट को डिक्लेयर किया जा चुका है और फिलहाल उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि आपके पेपर्स के सिलेबस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं, और अगर हम उन बदलाव की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ज्यादातर बदलाव आपको जीएस पेपर में देखने को मिला है और आपका जो लोकल एक्ट है अलोंग विद आपका पीनल कोड उसके अंदर आपको देखने को मिला है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे एक सीरीज को लगातार पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है कि हर वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या हर वो सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक रेलेवेंट रोल को प्ले करता है, उन सारी चीजों की चर्चा आपके साथ एक विजुअल फॉर्म के अंदर की जाए। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आपके साथ जिस एक्ट को लेकर चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूं, पर्टिकुलरली उस एक्ट का नाम है द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, यानी कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। एज यू ऑल नो कि आपके जीएस पेपर के अंदर 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया है, प्री में भी और मेंस में भी। तो आमतौर पे अगर आपसे मेंस में सवाल पूछा जाता है तो वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का उद्देश्य क्या है, या इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें। तो विजुअली यू शुड नो कि व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। हम इस क्लास के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को हमें किन किन माध्यमों से अचीव करना है, इसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, और इन सारी चीजों के ऊपर एक एक करके आपके साथ चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, भले ही ये एक्ट आपका 2016 का है, ये बात अलग है कि इसको इन्फोर्स किया गया सन 2017 से, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट सन 2006 13 दिसंबर को ही कर लिया था। और आमतौर पे जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा इस एक्ट को या इसके कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया गया तो बेसिकली उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारे समाज में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो किसी भी वजह से दिव्यांगता का शिकार है या दिव्यांगता की परिभाषा के दायरे में आता है, हमें उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हमें हर वो चीज उसको देने की जरूरत है जिससे वो भी इस राष्ट्र के विकास में अपना एक बेहतर योगदान दे सके। और इन्हीं चीजों को इस एक्ट के अंदर प्रिंसिपल यानी कि इनके सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है। जब हम इस एक्ट के सिद्धांत या इसके बेसिक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आमतौर पे इस एक्ट के अंदर हर वो व्यक्ति जो दिव्यांगता की परिभाषा के दायरे में आता है, ये हमारा एक अधिकार है, या कह लीजिए ये हमारा एक सोशल ऑब्लिगेशन है कि हम उसके डिग्निटी को यानी कि उसके मान सम्मान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है या हमारा दायित्व है कि हम उन्हें इतना कंफर्ट बनाएं ताकि वो स्वयं से अपने फैसले को ले सकें और अपने आप में वो एक स्वतंत्रता का अनुभव का भाव महसूस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम उनके साथ किसी भी प्रकार का या किसी भी लेवल का भेदभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे। अर्थात सिर्फ इस आधार पे कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है या जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको समाज के किसी एक कोने में रहने के लिए या जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर दिव्यांग व्यक्ति की जो भी कैलिबर होता है या उसकी जो भी इफिशियंसी होती है, उसी हिसाब से हम उनका राष्ट्र के विकास के योगदान में उनका बाकायदा पार्टिसिपेशन भी करवाएंगे। और इवन दो ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच में एक प्रकार की विभिन्नता है, लेकिन बावजूद उसके हम उस विभिन्नता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और ना सिर्फ उनको स्वीकार करते हैं बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा हर वो अपॉर्चुनिटी जो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वहां पर उनको एक प्रॉपर मौका दिया जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो दिव्यांग है, सिर्फ इस आधार पे किसी जगह पे जाने से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। इवन दो पुरुष और स्त्री के बीच में भी
किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, और जो बच्चे हमारे समाज की या हमारे देश की रीढ़ होते हैं या जिनको इस राष्ट्र का भविष्य कहा जाता है, हमें उनकी भी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, हमें उनकी भी क्षमताओं को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, और उनकी क्षमता के हिसाब से हम उनको भी आगे चल के प्रमोट करेंगे। कुल मिला के यही सारे जो मौलिक सिद्धांत होते हैं, ये इस एक्ट का एक बेसिक फ्रेमवर्क है, और जो इस समाज के हर एक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि आप उसमें जरूर अपना योगदान करेंगे। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा आपके मेंस के दृष्टिकोण से, कि जो अगर आपसे पूछा गया कि बताइए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का उद्देश्य क्या है या उसके कौन कौन से मौलिक सिद्धांत हैं, तो उसके बारे में आपको वहां पे चर्चा करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें प्री के दृष्टिकोण से भी इसके थोड़े बहुत बेसिक्स को समझने की जरूरत है। सपोज कि इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर क्या है, तो जब हम इसके नोटिफिकेशन नंबर को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है आपका 49 ऑफ 2016, यानी कि 2016 के अंदर ये 49वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। जिस डेट को मंजूरी मिली या जिस डेट को इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया वो डेट है 27 दिसंबर 2016, और ये आपका इन्फोर्स हुआ यानी कि लागू हुआ 19 अप्रैल सन 2017 को। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं उनकी संख्या है 102। इसके अंदर इन 102 सेक्शंस को अलग अलग तरीके से 17 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, और इसके अलावा आपको एक शेड्यूल भी देखने को मिलता है। तो ये तो रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक ऑब्जेक्ट, जो बेसिक ऑब्जेक्ट आपका बयां करता है कि द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को आखिर किस उद्देश्य या किस ऑब्जेक्ट के तहत क्रिएट किया गया। अब इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी एक बैच आपका पिछले 22 नवंबर सन 2022 से रन कर रहा है, जहां पे हर वो एक्ट जो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है उसके बारे में चर्चा की जाती है, और ये बैच ऑलरेडी फिलहाल अभी वर्तमान में चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप इसके एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में भी जान सकते हैं। कुल मिला के इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन विच डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्ट दैट इज कॉल्ड द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब आपके साथ जो अगली मुलाकात होगी वो भी एक वीडियो के माध्यम से ही होगी, और वहां पे हम एक एक करके इसके डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट प्रावधानों को भी एक एक करके चर्चा के रूप में शामिल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू।